कहते क्या है हम तुम्हारे? कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, इतने पास बता दो कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो रिलीज हो सकती है पूजा हेगड़े और प्रभास की राधे श्याम? क्या होने वाली है राधे श्याम की खास बातें और क्या रिलेशनशिप में इंटिमेसी जरूरी है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। राधे श्याम में आपको प्यार की कहानी दिखाई जानी है, इसीलिए प्यार से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहले राधे श्याम की बात करते हैं जिसमें पूजा हेगड़े और प्रभास नजर आने वाले हैं। इसकी कई झलकियां हमारे सामने आ चुकी है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा कर रख दिया है। और ये फिल्म जो है इसका शूट अभी हैदराबाद में चल रहा है और अगले साल तक इसे रिलीज़ किए जाने का प्लान है। और दोस्तों, प्यार की बात हो रही है, रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो रिलेशनशिप में इंटिमेसी की क्या महत्वपूर्ण है ये हम आपको बताने वाले हैं। रिलेशनशिप में इंटिमेसी को लेकर यूरोपीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने गैर यौन तरीके से कई कपल्स के रिश्तों को परखा है और समझा है कि इंटिमेसी होने से रिलेशनशिप में क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर वन ये कि एक दूसरे को समझने में आपको मदद मिलती है अगर आपके रिलेशनशिप में इंटिमेसी है। रिलेशनशिप में इंटिमेसी लाने से आप अपने साथी को और भी करीब से समझ सकते हैं। आप भविष्य की योजनाओं के साथ साथ बीते कल की भी बातें उनके साथ साझा करने में खुशी महसूस करते हैं। हर इंसान का रवैया और व्यवहार अलग अलग हो सकता है। रिलेशनशिप में इंटिमेसी के ज़रिए आप दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को और भी करीब से समझ सकते और सीख सकते हैं। इसके बाद जो भी दोनों की एक दूसरे की इच्छाएं होती हैं, आशंकाएं होती है, वो सब आप अच्छे से महसूस करते हैं क्योंकि आप और भी करीब आ जा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका भरोसा बढ़ जाता है। शारीरिक इंटिमेसी किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है, हालांकि इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेक्स करना है। शारीरिक इंटिमेसी के लिए आप साथी का हाथ पकड़ सकते हैं, उसे किस कर सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने साथी पर अपार भरोसा कर पाते हैं और ये आपके रिलेशनशिप को मजबूत करता है। तीसरी चीज़, रिलेशनशिप में इंटिमेसी आने से साथी एक दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं। एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक ये आपस में प्यार भी बढ़ा सकता है। जैसे कि आपको रात में क्या खाना है, कहाँ घूमना है, फिर आपको अपने फैसले कैसे लेने चाहिए, इसके बारे में आप अपने साथी पर निर्भर हो सकते हैं, जो कि भावात्मक रूप से भी आपको मजबूत बनाता है आपके रिलेशनशिप को। तीसरी चीज़ ये कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे की परवाह करने लगते हैं आप, सबसे अहम हो जाता है ये। एक दूसरे के लिए फ़िक्रमंद हो जाते हैं, किसी भी रिश्ते को शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। और एक दूसरे की देखभाल के ज़रिए बिना सेक्स किए भी एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है, साथ ही खुद को एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस किया जा सकता है। तो ये है इंटिमेसी के फ़ायदे जो कि शोधकर्ताओं ने शोध करके ये सारी बातें निकाली, आपने भी महसूस की होंगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और प्रेम की कहानी राधे श्याम को देखने का आपको कितना इंतज़ार है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए, इंटरेस्टिंग तथ्यों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।